हेलो बच्चों कैसे हो आप आई होप पढ़ाई आपकी बहुत बेहतरीन चल रही होगी क्योंकि बहुत कम दिन बचे हैं इस अप्रैल वाले अटेम्प्ट के आप उंगलियों पे गिन सकते हो वो भी एक हाथ की उंगलियों पे गिन सकते हो समझ लो तो बच्चों मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कौन से टॉप ट्वेंटी कॉन्सेप्ट हैं चैप्टर नहीं टॉपिक नहीं कॉन्सेप्ट हैं जिनपे सवाल आना ही आना है ठीक है तो बच्चों हाई वेटेज वाले कॉन्सेप्ट इनमें से अगर मैंने आपको ट्वेंटी बता दिए तो एक दो ही मिस हो सकता है वो भी बहुत बड़ी इवेंट मानी जाएगी अगर मिस हो गया तो बाकी सारे के सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं उनपे सवाल आना बहुत 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 जरूरी है आएगा ही आएगा ठीक है बच्चों तो ये अप्रैल वाले अटेम्प्ट के लिए मैं आपको बता रहा हूं तो बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना आप क्या टॉपिक्स हैं ये और क्या मतलब क्या कॉन्सेप्ट हैं बच्चों ये वो Concepts मैंने बताए हैं जिनको आप डायरेक्ट पढ़ सकते हो यानी कि डायरेक्ट जाके वो कॉन्सेप्ट हो आप चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं उससे पहला पढ़ने पढ़ने की की जरूरत जरूरत नहीं नहीं उसके बाद का पढ़ने की नहीं है आप उसी को पढ़ सकते हो सीधे जाके ठीक है ना थोड़े से जब इसमें से एक सवाल श्योर है आना ही है तो मेहनत तो थोड़ी करनी पड़ेगी कॉन्सेप्ट के लिए टाइम तो लेगा ये बट ज्यादा टाइम नहीं लेगा डायरेक्ट कॉन्सेप्ट कूद सकते हो आप जैसे मान लो स्क्रूगेज वर्नियर कैलिपर्स इसको उठाओ और पढ़ लो गेज उठाओ पढ़ लो वर्नियर कैलीपर्स उठाओ पढ़ लो ठीक है ना जितना समझ में आता है ठीक है बाकी उसके पॉइंट्स ना या मेमोराइज़ करने की कोशिश कर लो उसपे जो फॉर्मूला है वो याद कर लो ठीक है ना उसके केसेस याद कर लो ठीक है और बस उसको याद रखने की कोशिश करो अगर आपको लग भी रहा कि यार बहुत ज्यादा डेफ तक अच्छे से समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं बेटा उसको कवर करना ज्यादा जरूरी है उसको याद करना ज्यादा जरूरी है उसके ऊपर सवाल कर लेना ज्यादा जरूरी है ठीक है ना उसी से आपके चार नंबर आ जाएंगे आंसर आपका आ जाएगा क्वेश्चन में ठीक जैसे पीएन एं जंक्शन एंड लॉजिक गेट्स

ठीक है ना उसमें एलसीआर सर्किट पढ़ना है आपको एसी के सर्किट देख लो एक बार लेकिन एलसीआर बहुत अच्छे से पढ़ लो उसी पर सवाल आएगा कंस्टेंट मोशन मोशन भी एक डेढ़ घंटे में हो जाता है जितने भी स्पेशल सारे एक एक बार देख लो ठीक है ना बच्चों थर्मोडाइनमिक प्रोसेसेस पांच प्रोसेस होते हैं थर्मोडायनिक्स के पांचों के पांचों प्रोसेस आपको याद कर लेने हैं। उनके वर्क डन के फॉर्मूले उनके सारे फॉर्मूले सीपीसीवी सारे फॉर्मूले आपको याद कर लेने उनपे एक एक सवाल जरूर कर लेना है पांच प्रोसेस में से मैं गारंटी दे रहा हूं दो सवाल की आएंगे ही आएंगे तो मैंने बस सीधे कॉन्सेप्ट लिखे हैं कि भाई ये कॉन्सेप्ट है इस पर सवाल आना ही आना कॉन्सेप्ट तो कुछ भी हो सकता है उस पर सवाल कैसा भी बन सकता है बट पांच प्रोसेस है ना पांच प्रोसेस में से सवाल जरूर आएंगे और दो सवाल आएंगे इसलिए मैंने यह कॉन्सेप्ट पूरे छाट छाट के लिखे कार्नोट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर कार्नोट इंजन का फॉर्मूला टेम्परेचर वाला Q1 Q2 वाला रेफ्रिजरेटर का फॉर्मूला के कौन सी हीट इजेक्ट होती है वो चीज आपको पढ़नी है डायरेक्ट सवाल आएगा कि रेफ्रिजरेटर का परफॉर्मेंस बताइए ये बताइए वो बताइए कितने परसेंट टेम्परेचर इतना है इतना है तो वो बताइए ऐसा सवाल आएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ लेना हर एक की डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको याद रहनी चाहिए हो सकता है सीपीसीवी का फॉर्मूला ही पूछ ले एक पर्टिकुलर गैस का नाम लेके उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम के फंडे आपको पूरे याद होने चाहिए कांस्टेंट की वैल्यू याद होनी चाहिए लॉ ऑफ इक्वीप होना चाहिए आपको तो वो वाले फंडे भी आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी सिंपल एंड स्प्रिंग पेंडुलम भाई देखो एस में से सबसे ज्यादा सवाल किसके पूछे जाते हैं कि इसका टाइम पीरियड बताओ अब ऐसे बहुत सारे स्पेशल केसेस हैं जो बिल्कुल पॉपुलर हैं हर साल वो मतलब वैसे के वैसे ही रखे हुए हैं बुक में उन केसेस को आपको याद करना है ठीक है ना कि किस किस तरीके के केस में क्या टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का क्या टाइम पीरियड होता है स्प्रिंग पेंडुलम का क्या होता है पैरल में लगाते हैं तो क्या होता है सीरीज में लगाते हैं तो क्या होता है वैसी चीज और स्प्रिंग पेंडुलम वगैरह ये जो है ना सिंपल पेंडुलम इनको याद कर लो अच्छे से एक दो फिजिकल पेंडुलम वाला भी कर लो जैसे आप किसी रॉड को यहां से हिंज कर देते हैं तो उसका टाइम पीरियड क्या आता है मूवमेंट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर इन्वॉल्व हो जाता है उसमें वो टाइप के सवाल फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ये बात आप बहुत ध्यान से सुनना मेरी फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें देखना बच्चों ये क्या चीज है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड भाई जेई मेन्स में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने पे सवाल आता ही आता है कभी ये शीट का करवाते हैं कभी ये रॉड का करवाते हैं कभी ये इनफाइनाइट रॉड का करवाते हैं कभी ये सर्कुलर रिंग के सेंटर पे करवाते हैं ठीक है ना कभी रिंग का छोटा सा पार्ट देके उसके सेंटर पे करवाते हैं तो जिन जिन केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा सकता है उनको रट डालो आप रट डालो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से पूछा जाएगा फिर से पूछा जाएगा तो जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा सकता है वो वाले केसेस आप याद कर लो जो भी है ठीक है बच्चों आगे देखते हैं <coughs> ये देखो ग्रुपिंग ऑफ एंड एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर भाई कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन और एनर्जी स्टोर वाले करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट करनी है भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट से भरी हुई है तीन क्वेश्चंस तो आने ही आने मतलब तीन सवालों की पूरी ऑलमोस्ट पूरी गारंटी रहती है तो इसलिए मैं इसको पूरा चैप्टर लिख दिया आपके सामने क्योंकि जो चीज है है सो है। उसमें मैं ये कहूं कि ये ये कर लो ये नहीं भाई दूसरा भी आ सकता है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको पूरा करना है ठीक है ठीक ना मैग्नेटिक फील्ड एंड मूवमेंट 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 वो नहीं होता म्यू जो निकालते हैं आई ए वो वाला वो वाले भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड और मूवमेंट निकालने मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको पूरा करना है रिफ्रैक्शन एंड टी आई आर स्लैब वाला ठीक है ना और टी आई आर पूरा करना है लेंस और प्रिज्म पूरे करने वाई डी एस सी ये चीज ऑप्टिक्स में है इसमें से सवाल आने ही आने हैं तीन क्वेश्चन आने हैं पक्का श्योर है मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट करनी है अब जो चीज कंप्लीट है तो है हर कॉन्सेप्ट में से रहता है प्रोजेक्टाइल मोशन बड़ा इंपॉर्टेंट हो रहा है आजकल सारे केसेस प्रोजेक्टाइल मोशन के कर लेना और मोमेंट ऑफ इनर्सिया ठीक है बच्चों बीस सवाल की गारंटी ले रहा हूं मैं आउट ऑफ थर्टी बीस सवाल इन पे आने हैं और अगर आपके 20 सवाल सही हो गए तो 25 में से 20 सवाल अगर आपके सही हो गए और 20 में से मान लो एक दो गलत भी हो गए तो 70 प्लस परसेंट आपके मार्क्स आ जाएंगे जो कि बहुत बहुत, बहुत बेहतरीन स्कोर माना जाता है ठीक है बच्चों तो बेस्ट ऑफ लक इतना ही मैं कर सकता था आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता सकता था अब बच्चों रोज कम से कम चौदह से पंद्रह घंटे आपको पढ़ना है मेहनत करनी है बेस्ट ऑफ लक